गोंडा की केसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने WFI चुनाव को लेकर पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बजरंग पुनिया ने मेरे ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाकर हीरो बनना चाह रहे हैं, लेकिन उनका खेल अब खत्म हो गया है। भाजपा सांसद ने बातें जिले की एक टाउन हॉल में आयोजित निजी कार्यक्रम में शामिल होते वक्त कही। सांसद ने कहा कि भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच के फैसले से हो रहा है। पहले ये चुनाव असम हाईकोर्ट के फैसले से रुक गया था, अब केवल मतदान होना बाकी है, नामांकन अब नहीं होना है। नामांकन हो गया था और 21 दिसंबर को भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव है, मतदान होगा। पहलवानों द्वारा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिले जाने पर बीजेपी सांसद ने कहा कि कौन किससे मिला इससे पहले हमसे मतलब नहीं है। पहलवान बजरंग पुनिया द्वारा पहलवानों के डोप टेस्ट को लेकर NADA पर लगाए गए आरोप और वायरल किए गए वीडियो को लेकर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, ये सारे आरोप में बेबुनियाद हैं और पहलवानों की सहानुभूति लेने के लिए इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। जो नाडा है वह भारत की एजेंसी भी नहीं है, वह इंटरनेशनल डोपिंग एजेंसी है, उसका सेंटर यहाँ है, उस पर भारत सरकार का कोई भी कंट्रोल नहीं। अगर उन्होंने सिस्टम पर सवाल उठाए तो पूरे नाडा के सिस्टम पर सवाल उठाए, यानी और NADA यानी कि नाडा हमारे देश से नियंत्रित नहीं होती। बजरंग पुनिया ने तो हमारा भी नाम लिया है, लेकिन NADA अंतर्राष्ट्रीय बॉडी है और बजरंग पुनिया को बेबुनियादी आरोप लगाने की आदत पड़ गई है, क्योंकि उनका खेल खत्म है और अब ऐसे कुछ चीजें उछाल कर अपने आप को हीरो बनाना चाहते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जैसे ये चुनाव संपन्न होगा और यहां से सूचना विश्व कुश्ती संघ को जाएगी कि चुनाव संपन्न हो गया, वैसे भारत की कुश्ती बहाल हो जाएगी। एक बार फिर से हमारे भारत के पहलवान तिरंगा झंडे के बैनर तले खेल पाएंगे और भारत माता का परचम दोबारा लहराएंगे, क्योंकि भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव ना होने के कारण विश्व कुश्ती संघ ने भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता को निलंबित कर दिया था और अब चुनाव होने के बाद फिर से सदस्यता बहाल हो जाएगी। एक बार फिर से भारतीय कुश्ती संघ विश्व कुश्ती संघ से संबंध होगा और भारत के पहलवान अपना परचम लहराएंगे। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।